Synergy Physics, where efforts meet success. हेलो एवरीवन, वेलकम टू फर्स्ट लेक्चर ऑन काइनेमैटिक्स। आज हम फिजिक्स का एक नया चैप्टर चालू कर रहे हैं। अब तक जो चीज़ें हमने सीखी उसमें क्या क्या देखा था हमने, मैथमेटिकल टूल्स देखा था, स्केलर्स एंड वेक्टर्स देखा, यूनिट्स एंड डायमेंशन, बट ये एक्चुअल फिजिक्स नहीं है ना। ये चीज़ें हैं जो फिजिक्स पढ़ने में हमें थोड़ी सी सप्लीमेंट करती है। आज से हम एक्चुअल फिजिक्स का टॉपिक चालू करने वाले हैं। आज से हम चालू करेंगे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और फिजिक्स की बहुत सारी चीज़ें, राइट। तो काइनेमैटिक्स ये फर्स्ट चैप्टर है फिजिक्स का, जो एक्चुअल फिजिक्स होता है हमारा उसका। अब तक जो हमने चीज़ें सीखी वो बस फिजिक्स पढ़ने में हमें हेल्प करने वाली थी। हम देखेंगे है ना वो चीज़ें हेल्प कैसी करेगी। ओके, तो काइनेमैटिक्स चालू करने से पहले मैं इसके ऊपर थोड़ी सी बात करता हूँ, है ना। देखो, काइनेमैटिक्स में हम पढ़ते क्या है, हम पढ़ते हैं इसके बारे में इस चैप्टर में मोशन में, है ना। देखा होगा बहुत सारी किताबें इसको मोशन इन वन डायमेंशन, मोशन इन टू डायमेंशन ऐसे सेग्रीगेट करके लिखती है, बट हम ऐसा नहीं पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि कोई भी अगर हम जनरल 3D में मोशन हम पढ़ लेते हैं तो उस कंसेप्ट को हम 2D और 1D पे इजीली विजुअलाइज कर सकते हैं। तो इंस्टेड ऑफ स्टडिंग दिस चैप्टर इन टू टर्म्स 1D एंड 2D, हम सीधा 3D में चालू कर देते हैं, राइट। हम 3D में देखेंगे कि ये चीज़ें होती कैसी है, काइनेमैटिक्स होता क्या है, वेलोसिटी क्या होती है, एक्सेलरेशन क्या होती है। अगर हम एक बार 3D में चीज़ें देख लेते हैं तो क्या उन्हीं चीज़ों को मैं 1D और 2D में इजीली जनरलाइज कर सकता हूँ क्या? हाँ, मैं कर सकता हूँ। ओके, व्हाट इज काइनेमैटिक्स, है ना। काइनेमैटिक्स में हम ऑब्जेक्ट की मोशन के बारे में स्टडी करते हैं। देखो, काइनेमैटिक्स में चार इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हो गया। अगर तुम इन चार इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स को समझ लेते हो, तो काइनेमैटिक्स कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है। सबसे पहले कंपोनेंट होता है पोजिशन। हम इन चारों कंपोनेंट पे थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन करने वाले, अभी बस देख लो, राइट। सबसे पहले हम काइनेमैटिक्स में चीज देखेंगे कि पोजीशन क्या होती है। अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे 3D स्पेस में ऐसे मूव कर रहा है, राइट, तो मुझे बताना आना चाहिए कि इस पार्टिकल की पोजीशन अभी क्या है और कुछ टाइम के बाद क्या है। गिवन सम पैरामीटर्स, हमें कोई इंफॉर्मेशन दी जाएगी, उस इंफॉर्मेशन की हेल्प से हमें बताना आना चाहिए कि अभी इस मोमेंट पे मेरा पार्टिकल कहां पे है और कुछ टाइम के बाद मेरा पार्टिकल कहां पे हो सकता है। तो उस चीज को हम पोजीशन बोलेंगे, राइट। पोजीशन मतलब इस टाइम पे, गिवन टाइम पे पार्टिकल कहां पे है, उस चीज का, बेसिकली पार्टिकल कहां पे है उस चीज को हम पोजीशन देखेंगे। तो हम पोजीशन फाइंड करने के लिए वेक्टर्स की हेल्प ले सकते हैं। जैसे हमने पोजीशन वेक्टर पढ़ा था ना स्केलर्स एंड वेक्टर्स में, राइट। तो पोजीशन वेक्टर हमें पार्टिकल की कोई एक पर्टिकुलर टाइम पे पोजीशन देने में, पोजीशन रेफर करने में हमें हेल्प कर सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज स्पीड एंड वेलोसिटी, कि पार्टिकल की पोजीशन कैसे चेंज हो रही है, राइट। हम सब चीजें पहले 3D में पढ़ेंगे और फिर देखेंगे। देखो, हम 3D में चीजें पढ़ चुके हैं, अब इन्हीं चीजों को मैं 2D एंड 1D पे जनरलाइज कर सकता हूं, राइट। फिर होगा एक्सेलरेशन, कि मेरी स्पीड या वेलोसिटी, राइट, स्पीड या वेलोसिटी क्या रेट से चेंज कर रही है। मेरी स्पीड बढ़ रही है क्या, मेरी स्पीड घट रही है, राइट। उस कोई एक फिजिकल क्वांटिटी हम डिफाइन करेंगे कि जिससे हम पता लगा सकते हैं कि क्या मेरी स्पीड बढ़ रही है या घट रही है। बढ़ रही है तो कौन से डायरेक्शन में बढ़ रही है, राइट। तो एक्सेलरेशन हमें उस चीज की इंफॉर्मेशन देगा। और फिर फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होगा टाइम। देखो, काइनेमैटिक्स पढ़ने की यही वजह है कि तुम्हें पोजीशन के बारे में कमेंट करनी चाहिए कि पार्टिकल अभी कहां पे है, स्पीड एंड वेलोसिटी पे कमेंट करनी आनी चाहिए, एक्सेलरेशन कि मेरी स्पीड कैसे चेंज हो रही है उस पर कमेंट करनी चाहिए, और टाइम कि अगर मुझे इस टाइम पे पार्टिकल की पोजीशन पता है और अगर मुझे इस टाइम पे कोई पार्टिकल की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन बता देता है तो फ्यूचर टाइम में, मतलब लेट्स से अगर इस टाइम को मैं t=0 बोल देता हूं तो t=10 सेकेंड, मतलब 10 सेकेंड के बाद मेरा पार्टिकल कहां पे हो सकता है, 10 सेकेंड के बाद पार्टिकल की स्पीड या वेलोसिटी क्या होगी, 10 सेकेंड के बाद पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या होगा, ये सब चीजों पे भी हमें कमेंट करनी आनी चाहिए, राइट। तो ये फोर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है काइनेमैटिक्स के। इन चार कंपोनेंट्स को अच्छे से समझ लो, क्यों, इन्हीं के ऊपर रिमेनिंग फिजिक्स हमारा डेवलप होने वाला है। ओके, इन्हीं चीजों के ऊपर हमारा फिजिक्स डेवलप होने वाला है। तो ये चार कंपोनेंट हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले, राइट। इसको काइनेमैटिक्स क्या बोलते हैं, काइनेमैटिक्स इज बेसिकली अ स्टडी ऑफ मोशन ऑफ अ पार्टिकल। ओके, ठीक है, स्टडी ऑफ मोशन ऑफ अ पार्टिकल, राइट।
अच्छा भैया, तो हमने देख लिया कि हम इस चैप्टर में ये सब चीज़ें पढ़ना क्या क्या पढ़ने वाले, राइट? ओके, तो लेकिन ये सब चीज़ें हम पढ़ना क्यों चाहते हैं? कोई पार्टिकल की हम स्पीड, एक्सेलरेशन, पोजिशन, हम ये सब चीज़ें पढ़ना क्यों चाहते हैं? चलो इसका एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देते हैं ना। तुमने वो ड्रोन देखा है क्या, कैमरे वाला ड्रोन, कि ऐसा एक कोई तो भी चॉपर टाइप स्ट्रक्चर होता है जिसमें ऐसा होता है और नीचे कैमरा वाला रहता है, बेसिकली वेडिंग शूट्स में तुमने देखा होगा। तो ये ऐसा ड्रोन उड़ रहा होता है हवा में, राइट? ये ड्रोन उड़ रहा होता है और अलग अलग जगह की वो फोटोज या वीडियोज लेके हमको देता है, राइट? ओके, लेकिन ड्रोन को कैसे पता चलता है कि अगर मैंने ड्रोन को बोला कि मुझे तुम यहां से यहां चले जाओ, तुम यहां से यहां चले जाओ, तो ड्रोन को कैसे पता चलेगा कि उसको कहां से कहां पे जाना है? तो वहां पे हमें पोजीशन नाम की चीज इंपॉर्टेंट आएगी। हम ड्रोन को बोलेंगे तुम हम इस पोजीशन पे हो, अब तुम यहां से इस पोजीशन पे जाओ, राइट? तो हमें पोजीशन के लिए भी तो कोई एक मैथमेटिक्स डेवलप करना पड़ेगा ना, कि अगर हम ड्रोन को इंफॉर्मेशन देने वाले हैं कि भैया आपको यहां पे नहीं उड़ना है, आपको यहां पे जाके उड़ना है, तो हमें उसको कोई तो एक इंफॉर्मेशन बनानी पड़ेगी कि अभी आप इस पोजीशन पे हो, उस पोजीशन पे हो। तो हम देखेंगे कि जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो हमारा काम कर सकता है ड्रोन को ये इंफॉर्मेशन देने में, राइट? ओके, लेकिन अगर मेरा ड्रोन यहां से यहां पे 2 घंटे में जा रहा है, 2 घंटे में, उतने में तो मेरी शादी नहीं पड़ जाएगी भाई, राइट? तो ड्रोन को कितनी तेजी से यहां तक जाना है वो भी तो मुझे इनपुट देना पड़ेगा, राइट? ड्रोन अगर यहां पे है तो वो 2 घंटे में नहीं जा सकता, उसको 5 to 10 seconds में ये शॉर्ट डिस्टेंस काउंट करना पड़ेगा, लाइक कवर करना पड़ेगा। क्यों? अगर ड्रोन बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है, राइट, अगर ड्रोन बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है तो शादी वाले कितने देर तक वेट करेंगे, राइट? और शादी के हर मोमेंट भी तो मुझे कैप्चर करनी है। तो ये जो इंफॉर्मेशन है कि ड्रोन कितने समय में यहां से यहां तक जा सकता है वो हमें स्पीड बता सकती है। अगर ड्रोन की स्पीड ज्यादा होगी तो ड्रोन यहां से यहां तक जल्दी चले जाएगा, अगर ड्रोन की स्पीड कम है तो यहां पे चल जाएगा, राइट? तो हमें एक एक्सपेक्टेड टाइम मिलेगा कि मैं मानता हूं कि मुझे 10 सेकंड में यहां से यहां तक लेके जाना है, तो मुझे ड्रोन की स्पीड भी कंट्रोल करनी आनी चाहिए, राइट? तो स्पीड भी हम इस चैप्टर में सीखेंगे। तो ये ड्रोन ही काफी सारी चीजों पर हम इन चीजों को जनरलाइज कर सकते हैं, जैसे कोई कार है, कार मूव कर रही है, राइट? ओके, अब इस ड्रोन की स्पीड भी तो इंक्रीज हो रही होगी। शुरू में ड्रोन जब जमीन पे था, जमीन पे ऐसे रखा हुआ था, राइट? अब इसको मुझे उड़ाना है, ऐसे जाना है, फिर ऐसे जाना है, या फिर इस डायरेक्शन में आना है, कोई भी रैंडम डायरेक्शन में जाना है, तो मुझे ड्रोन को बताना पड़ेगा ना कि तुम्हारी जो स्पीड है पहले 0 है, अब स्पीड यहां से होगी यहां पे कुछ तो स्पीड आ गई, मान लो 10 meters per second से ड्रोन जा रहा है ऊपर, राइट? तो ये स्पीड 0 to 10 आ गई, राइट? तो कितने टाइम में ड्रोन 0 to 10 meters per second स्पीड अटेंड करेगा वो भी तो चीज मुझे बतानी आनी चाहिए। तो ये सब चीजें हम इस काइनेमैटिक्स चैप्टर में सीखने वाले हैं। ओके, क्लियर है? बस अपनी एक्सपेक्टेशंस क्या है, मुझे पोजीशन बतानी आनी चाहिए, पार्टिकल अब कौन सी पोजीशन पे है, मुझे पार्टिकल की स्पीड और वेलोसिटी बतानी आनी चाहिए, एक्सेलरेशन बताना आना चाहिए और टाइम के साथ डील करना आना चाहिए। अगर मुझे इस टाइम पे पार्टिकल की पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन पता है तो मुझे कुछ टाइम के बाद, टी इक्वल्स 10 seconds, 1 minute, 10 minutes, 1 घंटे के बाद भी मुझे उसी सेम पार्टिकल का सब चीजें बतानी आनी चाहिए। ओके, सही है? तो हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या है इस काइनेमेटिक्स चैप्टर्स में, पोजीशन, वेलोसिटी और स्पीड, एक्सेलरेशन एंड टाइम, ये सब चीजों के बारे में हमें ये चैप्टर नॉलेज देने वाला है। ओके, कूल। अच्छा, तो हमने देखा कि इस चैप्टर में हम पार्टिकल के मोशन के बारे में बात करने वाले हैं, हम पार्टिकल के मोशन के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन क्या मोशन एक एब्सोल्यूट टर्म है क्या? अच्छा, एब्सोल्यूट का मतलब क्या है, इस एक एग्जांपल से समझते हैं ना। मान लो कोई एक बंदा यहां पे खड़ा है, ऐसे कोई एक बंदा यहां पे खड़ा है, एक कार है, कार है ना, ऐसी कोई कार है, वो इधर जा रही है 30 kilometers per hour से, कोई तो भी स्पीड से जा रही है ना, राइट? और एक कार में भी एक बंदा खड़ा है ऐसे, और एक बॉक्स यहां पे रखा हुआ। ओके, क्या मैं इसको ए, पर्सन ए बोल दूं क्या? दिस इज माय पर्सन ए, राइट, एंड दिस इज माय पर्सन बी, और ये कोई तो भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ, कोई तो भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ। अब मैं क्या करता हूं, मैं पहले ए के पास जाता हूं, ए के पास खड़ा होता हूं और इस एम ब्लॉक को देखता हूं, राइट? ये पूरा जो सिस्टम है वो क्या 30 kilometers per hour से इधर जा रहा है क्या, राइट? हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, रेस्ट एंड मोशन, रेस्ट एंड मोशन ये कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं।
तो ये जो पूरी सिस्टम है राइट, वो 30 किलोमीटर पर आवर से इधर जा रही है। तो जब मैंने ए पर्सन को पूछा कि जो मेरा एम ब्लॉक है उसको कैसे नजर आ रहा है, वो कितनी स्पीड से जा रहा है, तो मुझे ए पर्सन बोला, मैं बोल रहा हूं उसको ए एम, ऐसे नोटेशन से दे रहा हूं, तो ए एम मुझे बोला देखो ये पूरी सिस्टम 30 किलोमीटर पर आवर से जा रही है, तो ब्लॉक उसके अंदर है, तो मुझे दिख रहा है, ए पर्सन बोला कि मुझे दिख रहा है ब्लॉक भी इस डायरेक्शन में 30 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है। ए पर्सन को ब्लॉक ऐसा दिख रहा है राइट। और फिर मैं गाड़ी के अंदर जाके बैठा और फिर मैंने बी पर्सन से पूछा कि अब तुम मुझे देख के बताओ, तुम इस ब्लॉक की तरफ मुझे देख के बताओ कि तुम्हें ब्लॉक की मोशन कैसे नजर आ रही है, क्या तुम्हें ब्लॉक 30 किलोमीटर पर आवर से जाते हुए दिख रहा है या तुम्हें ब्लॉक स्टेशनरी दिख रहा है। तो उसने ब्लॉक की तरफ देखा, उसके रिस्पेक्ट में तो ब्लॉक मूव ही नहीं कर रहा था, तो वो बोला कि मुझे जो ब्लॉक दिख रहा है वो तो मूव ही नहीं कर रहा है, तो उसकी वेलोसिटी है 0 किलोमीटर पर आवर। बेसिकली बी ने जब ब्लॉक को देखा तो बी को ब्लॉक बिल्कुल मूव करते हुए नहीं दिखा, बी के लिए ब्लॉक स्टेशनरी है, मतलब रेस्ट पे है, लेकिन ए पर्सन, जो पर्सन ए है, उसके लिए ब्लॉक कुछ तो वेलोसिटी से आगे जा रहा है। तो अगर मैं तुमसे क्वेश्चन पूछता कि तुम बताओ इस ब्लॉक की स्पीड क्या है, तो हम इसका फर्मली कमेंट नहीं कर सकते अभी, क्यों, ये इंफॉर्मेशन इनसफिशिएंट है। तुम मुझे अच्छे से पूछो कि जब मैं ए के साइड में होके अगर खड़े होके इस ब्लॉक को देखता हूं, तब तुम मुझे स्पीड बताओगे तो मैं बोलूंगा 30 किलोमीटर पर आवर, और अगर मैं बी के साइड में खड़े होके तुम मुझे पूछते हो कि ब्लॉक की स्पीड क्या है, तो मैं बोलूंगा कि नहीं मेरा ब्लॉक रेस्ट पे है राइट। तो इससे पता क्या चलता है, अगर तुम्हें कोई पूछता है कि कोई एक पार्टिकल की स्पीड क्या है, तो तुम्हें उस सामने वाले बंदे को पूछना पड़ेगा, तुम स्पीड पूछ रहे हो तो किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहे हो, तुम स्पीड किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहे हो। अगर यहाँ पे कोई एक बंदा ऐसे बाइक पे जा रहा है ना, कोई एक बंदा इस पे बाइक पे जा रहा है ऐसे ठीक, और वो 15 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, तो तुम मुझे बताओ ये जस्ट इस गाड़ी के पीछे उसको क्या लगेगा, ये ब्लॉक कितनी स्पीड से मूव करेगा, क्या लगता है तुम्हें, ये ब्लॉक इसको लगेगा ये 15 किलोमीटर पर आवर से आगे जा रहा है, क्यों, देखो 15 इसकी स्पीड है, ये 30 से आगे जा रहा था, तो इन दोनों का डिस्टेंस क्या रेट से चेंज हो रहा है, 15 किलोमीटर पर आवर से। तो इस बंदे को क्या लगेगा कि ये जो ब्लॉक है वो 15 किलोमीटर पर आवर से जाता है। तो क्या मैं एक चीज कमेंट कर सकता हूं क्या, इसको अच्छे से समझना कि जो मेरा रेस्ट एंड मोशन, कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है या रेस्ट पे है, दिस इज अ रिलेटिव टर्म, इसको क्या हम बोलेंगे, रिलेटिव टर्म है। तुम्हें हमें बताना पड़ेगा कि क्या चीज के रिस्पेक्ट में मूव कर रहा है, इसके लिए ये ब्लॉक 30 से जा रहा है, इसके लिए ब्लॉक बिल्कुल ही मूव नहीं कर रहा है, इसके लिए ब्लॉक 15 से जा रहा है राइट। तो मैं बोलूंगा कोई अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है या मोशन पे है, अगर मुझे इस चीज पे कमेंट करनी है तो मुझे ये बोलना पड़ेगा कि ये रिलेटिव टर्म है, ये किसी के रिस्पेक्ट में मूव कर सकता है, किसी के रिस्पेक्ट में मूव नहीं कर सकता। हम बहुत सारे एग्जांपल देखने वाले इसके रिस्पेक्ट में राइट, तब हमें पता चलेगा कि हमें किसके रिस्पेक्ट में इस चीज की निकालनी है। बट तुम याद रखना है ना कि अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसकी मोशन अलग अलग पर्सन को डिफरेंट परसीव हो सकती है, अलग अलग पर्सन को इसकी मोशन अलग अलग दिख सकती है, किसी के लिए ये मूव ही नहीं कर रहा है और किसी के लिए 30 से जा रहा है, किसी के लिए 15 से जा रहा है राइट। तो रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स, हम किसके रिलेटिव में बात करने वाले हैं उस पर हमें कमेंट करनी चाहिए। ओके सही है, तो रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स, नोटबुक में अच्छे से रेड पेन से एकदम बॉर्डर करके लिखना है ना, ये कंसेप्ट है, आगे भी काफी यूज आएगा कि रिलेटिव टर्म क्या होता है। ओके बस कि किसके रेफरेंस में तुम ले रहे हो है ना, किसके रेफरेंस में तुम ब्लॉक की स्पीड निकालने की कोशिश कर रहे हो। ओके भैया, तो हमने देख लिया कि रेस्ट एंड मोशन क्या होता है, रेस्ट मतलब बॉडी बिल्कुल ही मूव, तो रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स, मतलब कि ये जो ब्लॉक है इसके रिस्पेक्ट में मूव कर रहा है, इसके रिस्पेक्ट में मूव 15 किलोमीटर पर आवर से कर रहा है, इसके रिस्पेक्ट में 30 किलोमीटर पर आवर से कर रहा है। अच्छा अगर मैं यहां पे एक ब्लॉक रख दूं, यहां पे एक ब्लॉक रख दूं एम डैश नाम का, तो अब मुझे बताओ कि क्या ये दोनों सेम ग्राउंड पे है ना, ग्राउंड पे खड़े, तो मुझे बताओ ये ब्लॉक ए के रिस्पेक्ट में रेस्ट में होगा या मोशन पे होगा, ये रेस्ट में होगा राइट, ये इसके रिस्पेक्ट में बिल्कुल मूव नहीं कर रहा है। लेकिन अच्छा बी देखेगा इसको और इसको मैं सी नाम देता हूं, तो बी और सी के रिस्पेक्ट में इसकी मोशन कैसी होगी,
ये रेस्ट पे लगेगा क्या? नहीं, अगर ये इसको देखेगा तो इसको लगेगा कि ये ऑब्जेक्ट इधर 30 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है। तुम इसको ऐसे भी सोच सकते हो, जब हम बस में बैठे होते हैं, राइट, जब हम बस में बैठे होते हैं, जब हम किसी पेड़ की तरफ देखते हैं जो आगे से पेड़ आ रहा है, तो हमें नहीं लगता क्या कि पेड़ ऐसे दौड़ के पीछे जा रहा है, राइट? तो हमें लगता है पेड़ हमारी तरफ दौड़ के आ रहा है। तो इसी को बोलते हैं हम रिलेटिव। तो हम अगर पेड़ को देखेंगे तो हमारे रिस्पेक्ट में पेड़ रेस्ट पे नहीं है, लेकिन जो बंदा बस के बाहर खड़ा है उसके, वो अगर पेड़ को देखेगा तो उसको पेड़ की मूवमेंट ही नहीं लगेगी, तो हम बोलेंगे वो पेड़, जो बंदा ग्राउंड पे खड़ा है उसके रिस्पेक्ट में रेस्ट में है, जो बंदा बस में बैठा है उसके रिस्पेक्ट में कुछ तो स्पीड से मूव कर रहा है। ओके, सही है। तो रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स, किसको कौन देख रहा है वो ज्यादा मैटर करता है। अच्छा, हमने देख लिया क्या होता है। और एक चीज है ना, इंपॉर्टेंट चीज जो फिजिक्स में हमें थोड़ी सी ध्यान रखनी पड़ेगी, कि अगर हमें कोई बोलता है ना कोई बॉडी मूव कर रही है, अगर हमें कोई बॉडी मूव कर रही है ऐसा बोल देता है, तो हम उसको बोलेंगे कि एक पॉइंट मूव कर रहा है। हम उसको ऐसे जनरलाइज कर सकते हैं, दिस इज अ कंसेप्ट ऑफ पॉइंट मास। कोई नहीं, कॉमन सेंस है, इसको ऐसे समझो ना। देखो, मेरा कोई ब्लॉक था, ठीक, एक ब्लॉक था, उसने 5 मीटर की डिस्प्लेसमेंट की, यहां पे आ गया। अब मुझे तुम बताओ, मेरे ये वाला पॉइंट है, लेट्स से इस पॉइंट को मैं ए बोल देता हूं और इस पॉइंट को मैं बी बोल देता हूं, इस पॉइंट को मैं बी बोल देता हूं, तो मेरी अगर पूरा ब्लॉक मेरा 5 मीटर चलता है तो ए पॉइंट कितना दूर गया होगा अपनी ओरिजिनल पोजीशन से? कॉमन सेंस है ना, ये भी 5 मीटर ही गया होगा ना। देखो, ये पॉइंट यहां पे आ गया, ये पॉइंट यहां पे आ गया, तो दोनों ए पॉइंट और बी पॉइंट दोनों 5-5 मीटर चले हैं। तो मैं क्या बोलता हूं, मैं इसको एक ब्लॉक नहीं मानता, अगर मैं इस पूरी चीज को एक पॉइंट बोल देता, पॉइंट ऐसे, इसका मास एम था तो हम बोलेंगे कि ये मेरा एम का कोई एक पॉइंट है, वो 5 मीटर से चला, ऐसे अज्यूम कर सकते हैं ना, राइट? तो इसी चीज को बोलते हैं हम एक बॉडी को पॉइंट मास में कन्वर्ट करना। तो मैकेनिक्स में जो हम आगे के चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं उसमें अनटिल एंड अनलेस स्पेसिफाइड, जब तक हमें स्पेसिफिकली बताया नहीं जाएगा कि ये ब्लॉक के डायमेंशन 2 मीटर का है, 5 मीटर का है, 10 मीटर का है, तब तक हम उस बॉडी को अगर हमें बोला जाएगा कोई बर्ड 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, तो हम बोलेंगे एक कोई तो भी पॉइंट मास है वो 5 मीटर पर सेकंड से बोलता है, अजम्पशन है, राइट? राइट, बस इससे चीजें आसान हो जाती है इमेजिन करना कि कोई बॉडी मूव कर रही है, उसमें बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, कौन सा पॉइंट कैसे मूव कर रहा है। उससे अच्छा हम क्या बोलते हैं, हम बॉडी कंसिडर करने की जगह हम बोलेंगे कि अगर ये पूरी बॉडी मूव कर रही है तो बस ये पॉइंट है वो भी तो 5 मीटर से चल रहा है, राइट? तो इस बॉडी का हर पॉइंट अगर 5 मीटर से चल रहा है तो मैं बोलूंगा हम बॉडी को बॉडी क्यों मानेंगे, हम उसको एक पॉइंट मास भी तो मान सकते हैं, है ना? इजी है ये, ज्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मैं बता रहा हूं कि मैकेनिक्स में अनटिल एंड अनलेस स्पेसिफाइड हम बॉडी को एक पॉइंट मास की तरह अज्यूम करना प्रेफर करेंगे, राइट? तुम इससे करोगे तब भी तुम्हारा आंसर सेम ही आएगा, बस एक प्रेफरेंस है, राइट? हम बॉडी को पॉइंट मास की तरह प्रेफर करना प्रेफर करते हैं, ओके? बॉडी का पॉइंट मास बोल देंगे। अगर हमें बोला जाएगा एक बॉडी है वो 10 मीटर पर सेकंड से जा रही है, तो हम उसको कैसे इमेजिन करेंगे, जब दिमाग में हम इमेज बनाएंगे ना उस चीज की, तो हम बोलेंगे पॉइंट मास है वो ऐसे 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, ओके? सही है, पॉइंट मास है ना, ओके? तो चलो, काइनेमेटिक्स की पहली इंपॉर्टेंट चीज हम पढ़ते हैं, पोजीशन, राइट? देखो, बहुत सारी किताबों में इसको 1D 2D मोशन में डिवाइड किया जाता है, लेकिन हमें स्केलर्स एंड वेक्टर्स काफी अच्छे से आता है, राइट? तो तुम 1D बोलोगे तो हम बोलेंगे बस वो आई कैप या जे कैप या के कैप के अलॉन्ग मूव कर रहा है, लेकिन हम 3D में बोलेंगे तो अगर हमें 3D में मोशन समझ में आ जाती है तो 1D क्या चीज है ना, इजी है। ओके, सबसे पहली बात फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ना, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, देखो फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक ऐसी चीज होती है जहां पे खड़े होके तुम बॉडी की मोशन ऑब्जर्व कर रहे हो, राइट? इसको समझते हैं एक एग्जांपल के, मैंने क्या बोला, मैं एक ए पॉइंट पे हूं, ए पॉइंट मैंने यहां पे ओरिजिन बना दिया, ए पॉइंट पे एक ओरिजिन बना दिया,
मैंने एक ए पॉइंट पे ओरिजिन बना दिया, फिर मैंने बोला कि एक गाड़ी है वो कुछ तो स्पीड से जा रही है, मान लो 5 किलोमीटर पर आवर से ऐसे जा रही है, और यहाँ पे कोई एक बी पॉइंट है, मैंने यहाँ पे ओरिजिन बना दिया। मैं ओरिजिन तो मेरे मन से कहीं पे भी बना सकता हूँ ना, राइट। और मेरा एक ब्लॉक यहाँ पे, ओके। अब मैं इस ओरिजिन से, अगर इस ओरिजिन से मान लो इसका डिस्टेंस कोई तो भी आर वेक्टर है ना, आर वेक्टर, मान लो ये आर वेक्टर ऐसे दिया हुआ है, 3i कैप + 4j कैप + 5k कैप। आर वेक्टर पता ना सबको, पोजीशन वेक्टर पढ़ेंगे, इसको भी पढ़ेंगे, बस एक एग्जांपल देने के लिए मैं बता रहा हूँ, फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझाने में उसकी हेल्प होगी थोड़ी सी। और इसका जो बी बी फ्रेम के रिस्पेक्ट में वेक्टर है, राइट, इसको आर ए बोल दो, क्या आर बी बोलता हूँ कि बी फ्रेम में इसका पोजिशन वैक्टर क्या है, बी फ्रेम में इसका पोजिशन वैक्टर क्या है। तो मैं बोलता हूँ कि बी फ्रेम में इसका पोजिशन वैक्टर है कुछ तो भी आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। तो क्या लगता है ओवर द टाइम, जैसे अभी इस टाइम पे इनके पोजिशन वेक्टर ऐसे है, ओवर द टाइम मतलब जैसे टी इक्वल्स 5 सेकंड के बाद या 1 घंटे के बाद ये चीज क्या होगी, 1 घंटे के बाद ये चीज 5 किलोमीटर चलने वाली कि नहीं चलने वाली, स्पीड पता है ना सबको। तो मैं बोलूंगा देखो, अगर मैं ए फ्रेम को देखता हूं, ए फ्रेम से इसको देखता हूं, तो इसका पोजिशन वैक्टर बदलने वाला है, इसका पोजिशन वैक्टर बदलने वाला है। क्या लगता है बी फ्रेम में इसका पोजिशन वैक्टर कभी बदलेगा क्या? नहीं बदलेगा। जितना ब्लॉक मूव करेगा, जिस भी डायरेक्शन में मूव करेगा, मेरा बी बी पॉइंट है, बी मैंने ओरिजिन माना हुआ है ना, एक मेरा बी पॉइंट भी उतना ही मूव करने वाला है। तो हम किस चीज को ओरिजिन मानते हैं, हम किस चीज को ओरिजिन मानते हैं, उस चीज को हम बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, बी एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, तो ए से अगर ए को मैं ओरिजिन मानते हुए इसका पोजीशन वेक्टर निकाला था तो आ रहा था 3i कैप + 4j कैप + 5k कैप। लेकिन जब मैंने बी को ओरिजिन माना, बी के रिस्पेक्ट में इसका पोजीशन वेक्टर आया i कैप + j कैप + k कैप, राइट। तो ए और बी के रिस्पेक्ट में इसके डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन वेक्टर आ रहे हैं, क्यों? सिंपल है यार, राइट। इस चीज को अगर 1D मोशन में तुम समझना चाहोगे तो मान लो मैंने एक्स लाइन ऐसे बना दी, एक्स लाइन, ठीक। तो मैंने अगर यहां पे ओरिजिन रख दिया और मेरा कोई 5 मीटर पे ऑब्जेक्ट है, तो मैं बोलूंगा इसके रिस्पेक्ट में इसका वेक्टर हो गया 5i कैप। अगर मैं यहां पे ओरिजिन रखता हूं 2 मीटर पे, तो इसके रिस्पेक्ट में इसका डिस्टेंस कितना हो गया? 3i कैप, राइट। इसके रिस्पेक्ट में इस पॉइंट के रिस्पेक्ट पोजिशन आ रही है 5i कैप, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में इस पॉइंट के रिस्पेक्ट पोजिशन आ रही है 3i कैप, राइट। यहां से देखो 3 मीटर ही तो है, वैक्टर्स पड़ा हुआ है हमने, है ना। तो क्या मुझे मैटर करता है, क्या मुझे मैटर करता है कि मैं कौन से पॉइंट से बॉडी की मोशन को ऑब्जर्व कर रहा हूं? तो जिस पॉइंट को ओरिजिन मानते हुए मैं बॉडी की मोशन को ऑब्जर्व करता हूं, उस पॉइंट को हम बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जरूरी है क्या कोई रेस्ट पे ही चीज होगी? देखो, क्या ये वाली जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये वाला ओरिजिन है, इस ओरिजिन से अगर मैं इस ब्लॉक को ये ऑब्जर्व कर रहा हूं, तो ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो स्टेशनरी नहीं है, राइट। वो इस ब्लॉक के साथ 5 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रही है। मेरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस कुछ एक्सेलरेशन के साथ भी जा सकती है, राइट, ओके। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, हम कौन से ओरिजिन से ब्लॉक की मोशन को ऑब्जर्व करना चाहते हैं, बोर्ड पे जो लिखा हुआ है नोट डाउन लिखो। और मैं फिर से बोल रहा हूं कि जो भी चीजें मैं समझा रहा हूं अपनी भाषा में कॉपी में लिखते जाओ, राइट। क्यों? क्योंकि अगर तुम्हारे नोट्स मुझे समझ में नहीं आते हैं, अगर तुम्हारे नोट्स तुम्हारे दोस्त को समझ में नहीं आती है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम्हारे नोट्स तुम्हें समझ में आने चाहिए, राइट। तो इस चीज के जो भी चीजें जितनी भी मैंने बकबक अब तक की है, राइट, उसको अपनी भाषा में कॉपी में लिखने की कोशिश करो, ओके। वीडियो को पॉज करो और लिख दो एक बार। आई होप तुम लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा और अपनी भाषा में इसको लिख लिया होगा, है ना, ओके। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्लियर है ना कि हम कौन से पॉइंट से बॉडी को ऑब्जर्व करना चाहते हैं, हम कौन से पॉइंट से मोशन देखना चाहते हैं कोई पार्टिकल की, उस पॉइंट को हम बोलते हैं दिस इज माय फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हम वहां पे ओरिजिन लेंगे, वहीं पे एक्स वाई जेड एक्सिस कंस्ट्रक्ट करेंगे और वहां से हम मोशन को देखने की कोशिश करेंगे, ओके, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट जो हमारा इंपॉर्टेंट, मैंने बोला था 4 सेक्शन, उसमें हम देखते हैं पोजिशन। वैसे ही वेक्टर्स में भी मैंने पोजीशन वेक्टर को बता दिया था, राइट। तो मान लो मैंने फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहीं तो भी फिक्स कर दी, मान लो यहां पे फिक्स कर दी, ये मेरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस है,
दिस इज माई एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, राइट। तो अब मैं बोलता हूं कि कोई एक स्पेस में ऐसा पार्टिकल मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है, राइट। तो मैं बताना चाहता हूं कि लेट्स से ए पॉइंट है, यहां पे कोई बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है। तो मैं किसी पॉइंट की अगर मैं पोजीशन बताना चाहता हूं, अगर मैं किसी पॉइंट की अगर पोजीशन बताना चाहता हूं, तो जो वेक्टर होता है मेरा, वेक्टर वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। कैसे? मान लो जब यहां पे ये पॉइंट था, तो मैं बोलूंगा देखो मेरा जो OA वेक्टर है, OA वेक्टर वो मुझे बताता है जब मेरा ब्लॉक या मेरा कोई भी पॉइंट जब ए पोजीशन पे था, जब भी मेरा कोई भी पॉइंट ए पोजीशन पे था तब मेरी पोजीशन क्या थी। तो हमने पोजीशन वेक्टर नाम की कोई चीज पढ़ी हुई है, पोजीशन वेक्टर, पढ़ी हुई ना। तो पोजीशन वेक्टर हमें क्या देता है? पोजीशन वेक्टर हमें एक ऐसा वेक्टर देता है, वो होता है ओरिजिन से पार्टिकल की एक्चुअल पोजीशन को ज्वाइन किया हुआ वेक्टर। मैं बोलता हूं मान लो ये 3D 3 dimensional स्पेस में ये पॉइंट था 1, 2, 3, ये पॉइंट है -4, 6, 7, रैंडम पॉइंट्स ले रहा है ना, ऐसे इमेजिन मत करना ये 1, 2, 3 है तो ये -4, 6, 7 कैसे हो गया, और ये पॉइंट है कुछ तो भी 10, 7, 9, राइट। तो मैं बोलूंगा कि मैं एक वेक्टर बनाऊंगा, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 0, 0, 0, मैं 3D में कोऑर्डिनेट्स लिखने की कोशिश कर रहा हूं, राइट। तो मैं बोलूंगा देखो अगर मुझे जब मेरा ब्लॉक है ऐसे मूव कर रहा था, राइट, जब मेरा ब्लॉक ए पे था तो मैं बोलूंगा मैं उसकी पोजीशन पोजीशन वेक्टर से डिफाइन कर सकता हूं। तो मैं बोलूंगा देखो मेरा पोजीशन वेक्टर एट ए कितना हो जाएगा, आई कैप जे कैप के कैप के टर्म्स में कितना हो जाएगा, 1i cap + 2j cap + 3k cap। तो मैं बोलूंगा देखो मैंने जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस अज्यूम की हुई है, मैंने जो रेफरेंस फ्रेम अज्यूम की हुई है उसके रिस्पेक्ट में इस पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर आता है i cap + 2j cap + 3k cap, राइट। तो अगर ये इंफॉर्मेशन तुम्हें कोई बता देता है यहां से लेकर, मतलब तुम्हें बोलता है कि ये ओरिजिन है और तुम मुझे ये पॉइंट स्पेसिफाई करके बताओ स्पेस में, क्या इस डायमेंशन का, इस वेक्टर्स का एक ही पॉइंट होगा क्या जो 1, 2, 3 पे होता है, एक ही होगा ना, इसको और इसको ज्वाइन करता हुआ एक ही तो ऐसा वेक्टर होगा जो 1, 2, 3 पे जाता है, राइट। तो उसको हम बोलेंगे पोजीशन वेक्टर, वेक्टर्स में भी कवर किया हुआ है, अभी मैं फिर से रिवाइज करा रहा हूं बस। ओके, जब मेरा पॉइंट बी पे होगा तब उसके वेक्टर्स क्या होंगे बताओ, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, कैसे लिखूंगा मैं, -4i cap + 6j cap + 7k cap। तो क्या मैं कह सकता हूं, क्या मैं कह सकता हूं, विद द हेल्प ऑफ माय पोजीशन वेक्टर मैं तुम्हें बता सकता हूं कि ओरिजिन के रिस्पेक्ट में मेरे पार्टिकल की पोजीशन क्या है, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में मेरे पार्टिकल की पोजीशन क्या है। तो बस मेरा पर्पस सॉल्व हो गया, मुझे क्या बताना चाहिए, कोई भी इंस्टेंट पे अगर मुझे पार्टिकल की पोजीशन बतानी है तो मैं बोलूंगा तुम मुझे उस पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर दे दो, तुम मुझे उस पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर दे दो। अगर मेरे पास पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर आ गया मैं तो पार्टिकल ट्रेस कर ही सकता हूं, राइट। जैसे हमने जो ड्रोन वाला एग्जांपल लिया था, अगर मैं बताना चाहता हूं ड्रोन को कि तुम क्या करो, ए से बी जाओ, तो मैं क्या बोलूंगा कि तुम्हारी जो इनिशियल पोजीशन वेक्टर था वो है आर ए, अब तुम्हें क्या करना है आर एफ, जो फाइनल पोजीशन वेक्टर है तुम्हें जाना है बी के ऊपर। तो ड्रोन क्या करेगा, ऐसे उड़ते हुए यहां पर चले जाए, राइट। ओके, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कैसा होगा, अगर मैं इसको ड्रॉ करूंगा डायग्राम में तो इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कुछ ऐसा होगा, राइट। वेक्टर कैसा होता है, फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट को बस ज्वाइन कर दो। ओके, आरसी कैसे होगा, आरसी क्या तुम आरसी लिख सकते हो क्या, आरसी कितना हो जाएगा मेरा, आरसी वेक्टर 10i cap + 7j cap + 9k cap, ये हो गया मेरा सी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। ओके, तो विद द हेल्प ऑफ पोजीशन वेक्टर, with the help of position vector I can tell you the exact position of any point in the space. मैं तुम्हें position vector की help से space का कोई भी point बता सकता हूँ, और अगर तुम मुझे point का कोई position vector दे दोगे तो मैं उस point को trace भी कर सकता हूँ। तो position पढ़ने का यही तो हमारा purpose था, हमें पता होना चाहिए कि space में मेरा object कैसे move कर रहा है, right? ये हो गया 3D में, चलो 2D का भी example देख लेते हैं। हम 3D देखेंगे, 2D देखेंगे, फिर 1D देखेंगे। अगर देखो अब 3D में तुम्हें आ गया ना, तो 2D और 1D में देखना क्या
डिफिकल्ट है यार, इजी तो है राइट, बस लोगों ने खाली पीली इसको 1D 2D मोशन पर दिया है। मोशन के कुछ ही कंसेप्ट है, तुम 3D में सीख लो, तुम कहीं पे भी जनरलाइज कर सकते हो। ओके, तो सबको पोजिशन वैक्टर समझ में आया ना, पोजिशन वैक्टर राइट। ओके, अगर मैं 3D में रैंडम कोई पोजिशन वैक्टर लिखना चाहता हूं, रैंडम कोई पॉइंट है राइट, मान लो कोई पॉइंट ए है, इसके कोऑर्डिनेट्स एक्स कोमा वाई कोमा जीरो, तो मैं क्या बोलूंगा, इसका जो पोजिशन वैक्टर है, पोजिशन वैक्टर वो कैसे होगा, मैं बोलूंगा आर ए इज माई पोजिशन वैक्टर विच इज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, सो दिस इज माई पोजिशन वैक्टर, मैं ड्रॉ करूंगा दिस इज माई एक्स वाई जी, इसको ज्वाइन कर दो, ये आ गया मेरा पोजिशन वैक्टर इस पॉइंट का। अब तुम मुझे एक्स की वैल्यू दे दो, वाई की वैल्यू, जेड की वैल्यू दे दो, हम बोलेंगे हमारा पोजिशन वैक्टर आ गया। ओके, अगर इसको 2D में करना है तो बस ये वाली टर्म हटा दो, हो गया तुम्हारा 2D राइट, के कैप वाली टर्म हटा दो, मतलब जेड एक्सिस हटा दो, बस एक्स वाई प्लेन में उसको मूव करा दो। वेक्टर्स में हमने बहुत सारी चीजें देखी हुई है ऐसे, मैंने तब बोला था इसलिए वेक्टर्स को विजुअलाइज करना देखो, है ना, क्यों, वेक्टर्स को अगर विजुअलाइजेशन आता है तो फिजिक्स थोड़ा सा इजी हो जाता है। ओके, 2D में कैसे होंगे, ये 3D में पोजिशन वैक्टर है मेरा राइट, दिस इज माई पोजिशन वैक्टर इन 3D। 2D में कैसे होगा, मैं बस जेड एक्सिस हटा दूंगा और इसका जेड वाला कंपोनेंट हट जाएगा राइट, और इसका ये वाला हट जाएगा, लो आ गया मेरा 2D में, ये आ गया मेरा 2D में पोजिशन वेक्टर राइट। ये कोई एक्स वाई प्लेन है, प्लेन पता है ना, हमने पढ़ा हुआ है प्लेन के बारे में राइट, तो ये कोई एक्स वाई प्लेन है राइट, एक्स वाई प्लेन में मुझे एक्स और वाई ऐसे दो पॉइंट्स दिए हुए थे, मैं बोलूंगा देखो ये मेरा पोजिशन वेक्टर हो गया एक्स वाई प्लेन में। क्या मैं इसको वन डायमेंशन भी कर सकता हूं, क्या वन डायमेंशन, मान लो मेरा ऑब्जेक्ट सिर्फ एक्स एक्सिस पे मूव करता है, या सिर्फ y एक्सिस पे मूव करता है, या सिर्फ z एक्सिस पे मूव करता है, सिर्फ कोई एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो मैं बोलूंगा ठीक है, तो वन डायमेंशन में इसका कैसे लिखता हूं, मान लो ये मेरा ओरिजिन है, ये 2 पे आ गया, ये 2 पे, तो क्या मैं इसको अगर x एक्सिस बोल दूं तो इसका वेक्टर लिख सकता हूं क्या मैं 2i क्या राइट, और अगर यहां -3 पे कोई होता तो मैं बोलूंगा देखो इसका वेक्टर ऐसा है जो बन जाएगा -3i क्या। ओके, सही है, तो हम 1D 2D और 3D कोई भी डायमेंशन में किसी भी पार्टिकल का पोजिशन वेक्टर लिख सकते हैं, बस हमें ओरिजिन कहाँ पे वो पता होना चाहिए और पॉइंट कहाँ पे वो पता होना चाहिए राइट। 2D में मतलब यहाँ पे अगर 2,3 दे देगा तो हम क्या बोलेंगे उसका पोजिशन वैक्टर होगा 2i कैप प्लस 3j कैप राइट, और इसके तो हमने पोजिशन वैक्टर देख लिए। अगर ये 0 से रिस्पेक्ट में 2 की पोजिशन पे है तो मैं बोलूँगा इसका पोजिशन वैक्टर है 2i कैप, इसका पोजीशन वेक्टर है -3i क्या। ओके, सही है, 1D 2D 3D समझ में आता है ना सबको, या बता दूं एक बार, चलो क्विकली बता देता हूं 1D 2D 3D क्या होता है ना। मोशन 1D 2D 3D में क्या होती है, ठीक, देखो अगर मुझे पार्टिकल की मोशन स्पेसिफाई करने के लिए सिर्फ एक एक्सिस भी कोई दे दे, कोई एक एक्सिस भी दे दे, तो मैं बोलूंगा दैट इज माय 1D मोशन राइट। और जब मुझे 2D मोशन डिफाइन करनी होगी तो मैं बोलूंगा मुझे पार्टिकल की मोशन सिर्फ एक एक्सिस पे मैं डिफाइन नहीं कर सकता। जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूं कि यहां जमीन पे मैं खड़ा हूं राइट, मैंने कोई एक बॉल ऐसे फेंका और वो ऐसे ही नीचे आया, तो क्या मैं इसके अलोंग एक स्ट्रेट लाइन बना सकता हूं क्या, इसके अलावा मैं स्ट्रेट लाइन बना सकता हूँ ना, तो मैं बोलूंगा मैं मोशन तो सिर्फ वाई एक्सिस पे कर रहा हूँ, तो अगर मैं इसको वाई एक्सिस बोल देता हूँ या इसको एक्स एक्सिस बोल देता हूँ इससे क्या फर्क पड़ता है, वो तो मेरा कन्वेंशन है, मैं एक्स एक्सिस बोलूंगा वाई एक्सिस बोलूंगा, तो बॉडी अगर सिर्फ एक लाइन के अलॉन्ग मूव कर रही है तो उसको हम बोलते हैं 1D मोशन। जैसे बॉल को तुमने ऊपर फेंका और ऐसे ही नीचे आया, तो इसके कोऑर्डिनेट स्पेसिफाई करने के लिए मुझे सिर्फ नंबर लाइन भी दे दोगे, तुम ऐसे कोई नंबर लाइन भी दे दोगे तो मैं बोलूंगा देखो मैंने बॉल यहां पे फेंका था, यहां तक गया और फिर यहां से वापस आया राइट। तो सिर्फ एक एक्सिस, इसको आई बोलो, जे बोलो, के बोलो, उससे क्या फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता ना। तो अगर मुझे 1D मोशन डिफाइन करनी है तो मैं बोलूंगा मुझे तुम कोई भी एक एक्सिस का नॉलेज दे दोगे तो उस पर मैं पूरी मोशन ऑब्जेक्ट की डिफाइन कर सकता हूं। ओके, लेकिन 2D मोशन में ऐसा केस नहीं होता है, तुम सिर्फ एक एक्सिस दोगे तो उससे तुम्हारी मोशन डिफाइन नहीं होगी। हम एक स्पेशल केस पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन का, मान लो कोई ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे जाके ऐसे मूव कर रहा है
तो देखो थ्रू आउट द मोशन इसका एक्स एक्स वाला कंपोनेंट भी चेंज हो रहा है, वाई वाला कंपोनेंट भी हो रहा है। देखो इस पॉइंट पे इसका एक्स वाला कंपोनेंट क्या था, ये वाला एक्स वाला कंपोनेंट था, ये वाला वाई वाला कंपोनेंट था, राइट। और इस पॉइंट पे ये वाला एक्स कंपोनेंट था, ये वाला वाई कंपोनेंट था। तो इसके दो दो कंपोनेंट एक साथ चेंज हो रहे हैं, मतलब जैसे जैसे बॉडी मूव कर रही है, बॉडी मान लो ऐसे मूव कर रही थी, देखो यहां पे वाई वाला कंपोनेंट आया नहीं, एक्स वाला कंपोनेंट आ गया। तो इसके दोनों कंपोनेंट एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट दोनों एक साथ चेंज हो रहे हैं। यहां पे ऐसा हो रहा है क्या, यहां पे नहीं है। मान लो देखो इसमें ये इधर मूव नहीं कर रहा है, इधर मूव नहीं कर रहा है, बस इसका एक कंपोनेंट चेंज हो रहा है। मान लो कि मेरी मोशन ऐसे होती, ऐसे जा रही है, ऐसे आ रही है, इसमें एक्स कंपोनेंट तो हमेशा जीरो ही होने वाला है ना, एक्स इक्वल जीरो पे मोशन हो रही है, बस इसका वाई कंपोनेंट चेंज हो रहा है ये वाले केस में। बट ये वाले केस में इसका एक्स कंपोनेंट भी चेंज हो रहा है, इसका वाई कंपोनेंट भी चेंज हो रहा है, तो हम उस चीज को बोलेंगे 2D मोशन। ओके, क्या सेम डेफिनेशन को हम 3D पे जनरलाइज कर सकते हैं क्या? थोड़ा सा विजुअलाइज करना पड़ता है। जब मेरा ऑब्जेक्ट ऐसे 3D में कोई मूव कर रहा होगा, जैसे कोई चिड़िया उड़ रही है, राइट, तो हम उसको 2D में नहीं रख सकते, राइट, एक प्लेन में नहीं समाएगा। तो उसकी इमोशन डिफाइन करने के लिए हमें 3D की जरूरत पड़ेगी, राइट। इसको ऐसा भी समझ सकते हो, जब सिर्फ एक्स कंपोनेंट तुम दे दोगे, अगर उससे मेरा काम बन जाता है तो मेरी 1D मोशन है। अगर सिर्फ एक्स से काम नहीं बन रहा है, मुझे एक्स के साथ साथ वाई की भी जरूरत पड़ रही है, दैट इज माई 2D मोशन। और एक्स और वाई से भी काम नहीं बन रहा है, मुझे जेड की भी जरूरत पड़ रही है, दैट इज माई 3D मोशन। एक्स कोमा वाई कोमा जेड। ओके, इजी स्टफ, विजुअलाइज करो, समझ में आ जाएगा, है ना, कूल। 1D 2D 3D मोशन समझ में आ रहा है क्या होता है? अच्छा चलो कुछ पोजिशन वैक्टर्स के एग्जाम्पल करते हैं, ठीक। तो ऐसे बिल्कुल नहीं सोचना है, सिचुएशन के हिसाब से खुद को मॉडिफाई करना है। जब तुम्हें सिचुएशन दी जाएगी तब तुम्हें समझ में आना चाहिए कि 1D मोशन है, 2D मोशन है, 3D मोशन है। ओके, प्रैक्टिस करोगे तो आ जाता है, है ना, सोचने की पावर आ जाएगी। तो इसलिए मैंने बोला मैं इसको 1D मोशन, 2D मोशन, 3D मोशन में डिफाइन नहीं कर रहा हूँ, अपन सीधा काइनेमैटिक्स नाम का चैप्टर पढ़ेंगे। काइनेमैटिक्स मतलब स्टडी ऑफ मोशन। उसको 1D में होने दो, 2D में होने दो, 3D में होने दो, उससे कुछ फर्क पड़ता है क्या? नहीं पड़ता ना। ओके, कुछ पोजिशन वैक्टर के एग्जाम्पल देखते हैं, पोजिशन वैक्टर के एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे मान लो मेरा कोई एक ऑब्जेक्ट है, वो ए पे खड़ा था, मेरा कोई ऑब्जेक्ट है ए पे खड़ा था, ए के कोऑर्डिनेट से 2,3, ठीक। फिर वो 2 मीटर इधर चला और वो बी पे आया, 2 मीटर इधर चला और वो बी पे आया, तो इस पॉइंट के ये क्या होंगे? मान लो ठीक है, ये कितना है, 2 मीटर चला, ठीक। फिर वो 2 मीटर नीचे आया। अब तुम मुझे बताओ कि पोजीशन वेक्टर एट ए कितना होगा, पोजीशन वेक्टर एट बी कितना होगा, एंड पोजीशन वेक्टर एट सी कितना होगा। क्विकली कैलकुलेटर अपनी कॉपी में, बहुत इजी है। अगर वेक्टर तुमने अच्छे से पढ़ा है तो इसमें तो दिक्कत नहीं जाने वाली। इसलिए मैंने वेक्टर्स पे 10 लेक्चर दिए, राइट। तो वेक्टर में हमने बहुत आराम से चीजें पढ़ी। और पोजीशन वेक्टर को आर से डिफाइन करते, पता है ना, पोजीशन वेक्टर को हम आर से डिफाइन करते हैं। आर पोजीशन वो नोटेशन है, तो जिन्होंने वेक्टर अच्छे से नहीं देखा है उनके लिए बता रहा हूं, पोजीशन वेक्टर को हम आर वेक्टर से डिफाइन करते हैं, राइट। ओके, तो व्हाट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट? वो तो इजी है ना, वो कितना आएगा, 2i कैप + 3j कैप, दिस इज माई पोजिशन वैक्टर। ओके, पोजिशन वैक्टर ऑफ बी क्या होगा? देखो एक्स कंपोनेंट क्या आएगा बी का, ये 2 था, मैं 2 और इधर गया, क्या वाई कंपोनेंट चेंज हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है ना, तो क्या मैं इसका कंपोनेंट 4,3 लिख दूं क्या? तो बी का भी पोजीशन वेक्टर आ गया मेरे पास 4i कैप + 3j कैप, राइट। ओके, अब सी का बता सकते हो, देखो यहां पे 4,3 है, मैं 2 नीचे आया, तो मेरा एक्स कंपोनेंट चेंज होगा, वाई कंपोनेंट चेंज होगा ना, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 4,1, राइट। तो इसका पोजीशन वेक्टर आ गया 4i कैप + j कैप, राइट। तो पोजीशन वेक्टर निकालना इज नॉट अ बिग डील, अपनी भाषा में फिर से लिखो, ठीक है। एग्जाम्पल नोट करो, मैं भी आता हूं। ओके, नोट डाउन कर लिया। चलो और एक क्वेश्चन मैं तुमसे पूछता हूं, है ना, कि ये अगर ओरिजिन था, राइट, ये ओरिजिन है मेरा, तो इस पॉइंट का इस पॉइंट से डिस्टेंस कितना है, इस पॉइंट का इस पॉइंट से डिस्टेंस कितना है? एक तो तुम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निकाल सकते हो, डिस्टेंस फॉर्मूला, या दूसरा हमें पता है ना यार, अगर वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है तो हमें वो वेक्टर की लेंथ देता है ना, दिस इज माय आर ए वेक्टर, दिस इज माय आर बी वेक्टर, दिस इज माय आर सी वेक्टर।
तो अगर मैं मॉड्यूलस ऑफ दिस वेक्टर ले लूँ, दिस मॉड्यूलस ऑफ आर ए वेक्टर ले लूँ, तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे इसकी लेंथ ही तो मिल जाएगी ये, राइट? वेक्टर में पड़ा हुआ है ना कि अगर मैं इस वेक्टर का मॉड ले लेता हूँ तो वो मुझे उस वेक्टर की लेंथ दे देता है। तो अगर मुझे ये वाला डिस्टेंस निकालता हूँ, मैं बोलूँगा ये वेक्टर का मॉड ले लो। अगर मुझे यहाँ से यहाँ के बीच का डिस्टेंस निकालता हूँ, मैं बोलूँगा इस वेक्टर का मॉड ले लो। और मुझे इसके और इसके बीच का डिस्टेंस निकालता हूँ, मैं बोलूँगा इस वेक्टर का मॉड ले लो। तो कितना हो जाएगा ये? ठीक, मॉड ऑफ आर ए, राइट? अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ मॉड ऑफ आर ए विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2² + 3² राइट? वेक्टर में काफ़ी डिटेल में पढ़ा हुआ है इस चीज़ को। सिमिलरली क्या मैं इसका भी मॉड निकाल सकता हूँ क्या? इसका भी मॉड निकाल सकता हूँ क्या? अपनी कॉपी में निकालो, दिस इज अ होमवर्क स्टफ फॉर यू गाइस, ओके? तो पोजीशन हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? कोई भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन वेक्टर मुझे बता दो, मैं बोलूंगा मैं स्पेस में उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन डिफाइन कर रहा हूँ, ओके? सही है, तो पोजीशन समझ में आ गई। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अभी देखो पोजीशन है, लेकिन अगर पोजीशन बदल रही है तो हमें उसके लिए भी तो कोई एक टर्म देनी पड़ेगी, है ना? उसके लिए भी हमें एक टर्म देनी पड़ेगी। आई होप यू गाइज कैन विजुअलाइज द पोजिशन इन 1D, 2D and 3D एज वेल, है ना? 1D, 2D, 3D में तुम पोजिशन को विजुअलाइज कर सकते हो। अच्छा, अब पढ़ते हैं हम डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। मे बी 9th standard में थोड़ा बहुत देखा होगा, अब थोड़ा वेक्टर्स के फॉर्म में भी पढ़ लेंगे। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ओके। डिस्टेंस होता है स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट होता है वेक्टर क्वांटिटी। अभी हम देखेंगे ऐसा क्यों होता है ना, ठीक है? ओके, व्हाट इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट? डिस्टेंस होता है डिस्टेंस लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेस्ड, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ। अभी हम देखेंगे इसको, है ना? एग्जाम्पल देखेंगे, अच्छे से समझ में आएगा। लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ। और डिस्प्लेसमेंट में हमें पाथ, तुम कैसे गए हो, कहाँ गए हो, मैटर नहीं करता, हमें बस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ला के देखो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ला के दो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। अभी हम देखेंगे, है ना? बस डेफिनेशन निकालने के लिए मैं बोल रहा हूँ इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, ओके? इससे हमें क्या समझ में आता है? लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ क्या होता है एंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट क्या होता है। चलो एक एग्जाम्पल लेता हूँ, मैं बोलता हूँ कि यहाँ पर लेता हूँ, है ना, कि मेरा एक ऑब्जेक्ट है, वो कोई तो भी आर रेडियस के सेमी सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रहा है। वो शुरू में यहाँ पे था, वो ऐसे ऐसे करते यहाँ पे गया। और मान लो इसकी रेडियस है 2 मीटर, ठीक? तो ये ऐसे नहीं गया है ना, ये कैसे गया? घूम के गया, ऐसे घूम के गया। तो मुझे बताओ उसने यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए ये कितना डिस्टेंस कवर किया, ये इतना कितना डिस्टेंस किया? तो मैं बोल सकता हूँ क्या, ये मेरे सर्कल की सेमी पेरीमीटर है। और सर्कल की सेमी पेरीमीटर क्या होती है? पूरी पेरीमीटर होती है, 2πr। तो ये जो पूरा डिस्टेंस है, मैं इसको पाई आर बोल दूँ क्या? पाई आर, तो 2 मीटर डिस्टेंस है, तो मैं बोलूँगा 2π मीटर ये मेरा टोटल डिस्टेंस है। कौन सा? ये आर्क वाला डिस्टेंस, राइट? अब डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन को देखो। डिस्प्लेसमेंट क्या बोलता है? शॉर्टेस्ट बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। मेरा इनिशियल पॉइंट मतलब इनिशियली मेरा पॉइंट कहाँ पे था? ए पे था, ए से बी पे गया। तो मैं तुम्हें पूछता हूँ कि व्हाट इज अ डिस्प्लेसमेंट? मैं बोलूंगा मुझे मैटर नहीं करता कि तुम कहाँ से कहाँ पे गए हो, मुझे बस ये मैटर करता है कि तुम अपनी इनिशियल पोजिशन से कितने दूर बैठे हो शॉर्टेस्ट पाथ पे। मतलब शॉर्टेस्ट पाथ क्या है? ये वाला। तो ए और बी का डिस्टेंस कितना है? ए और बी का डिस्टेंस देखो, ये यहां से यहां तक 2 मीटर 2 मीटर, 2R डिस्टेंस है, नहीं है ये कितना हो जाएगा? 4 मीटर। तो मैं बोलूंगा कि जो मेरा डिस्टेंस ट्रैवल है विच इज पाई आर मीटर, 2π मीटर हो गया, और जो मेरा डिस्प्लेसमेंट है इट इज 4 मीटर, ओके? थोड़ा सा जनरल एग्जाम्पल देते हैं कि जब भी एक चीज याद रखना, जब भी हमें कोई चीज की डिस्प्लेसमेंट निकालनी पड़ेगी तो हमें मैटर नहीं करता कि ऑब्जेक्ट पहली पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे कैसे जा रहा है, पहली पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे कैसे जा रहा है, राइट? हमें बस मैटर करता है
कि व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन। जैसे कि मेरा कोई एक ऑब्जेक्ट है ए, तो मेरा ऑब्जेक्ट ए से बी जा रहा है, पहले वो कैसे गया, पहले वो ऐसे करके ऐसे गया, राइट। मान लो इस पाथ की लेंथ है L1, L1 क्या है, ये टोटल डिस्टेंस है, ये एक और कर रहा है। फिर दूसरे केस में वो ऐसे गया, L2 कैसे जा रहा है, ऐसे, ठीक। तीसरी केस में वो सीधा गया ऐसे। तो मैं बोलूंगा कि अगर मेरा ऑब्जेक्ट ए से बी जाता है L1 लेके, L1 पाथ लेके, राइट, L1 पाथ लेके अगर मेरा ऑब्जेक्ट ए से बी जाता है तो मेरा डिस्टेंस हो जाएगा जो इसकी लेंथ है, राइट, L1, लेकिन मेरी डिस्प्लेसमेंट यही होगी जल त्रिफाक की लेंथ बेसिकली। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा मेरा, देखो फर्स्ट केस में, इसको फर्स्ट केस बोल रहा, राइट, फर्स्ट केस में मैं यहां पर लिख रहा हूं डिस्टेंस, यहां पर लिख रहा हूं डिस्प्लेसमेंट, ठीक। तो फर्स्ट केस में मेरा डिस्टेंस कितना है, इस ट्रैक की लेंथ है L1, तो मैं बोलूंगा L1, लेकिन इस केस में डिस्प्लेसमेंट इन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। डजंट मैटर, डजंट मैटर कि वो कैसे गया, सेकेंड केस में, सेकेंड केस में डिस्टेंस L2, डिस्प्लेसमेंट L3, थर्ड केस में L3, L3। देखो अब मैं अलग अलग ट्रैक से, अलग अलग ट्रैक से सेम पोजिशन से फाइनल पोजिशन पर जा रहा हूं, तो मेरी डिस्टेंस की लेंथ बदल रही है, मेरी डिस्टेंस की लेंथ बदल रही है, लेकिन क्या मेरी डिस्प्लेसमेंट बदल रही है, क्या नहीं, तो राइट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन, ओके। तो अगर ये ऐसा घूम के ऐसे भी जाता यहां पे, तो मैं बोलता देखो डिस्टेंस तो मेरा इतना लेंथ जो है वो है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो मेरी L3 ही रही, राइट, ओके, इजी स्टफ, बस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, उस दो पॉइंट्स को सीधे से ज्वाइन कर दो, जो डिस्टेंस होगा हम बोलेंगे वो मेरी डिस्प्लेसमेंट है, ओके, कूल, इजी स्टफ है ना, कोई चैलेंजिंग नहीं। अच्छा भैया, लेकिन हमने साइड में एक और चीज भी तो पढ़ी है, जो मेरी डिस्प्लेसमेंट होती है इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, राइट, तो वेक्टर क्वांटिटी का डायरेक्शन भी तो बताना पड़ेगा, तो वेक्टर क्वांटिटी को डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर भी तो बनाना पड़ेगा, तो चलो डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर बनाते हैं। हमने इसको वेक्टर्स में पढ़ा था, राइट, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, फिर भी एक बार देख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ओके। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का फर्क समझ में आ गया ना, बस उसको अभी देख लो, है ना, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ओके। चलो मैं बोलता हूं कोई 3D में तुम्हें एक पॉइंट दिया है ए, कोई तो एक रैंडम पॉइंट दिया है ए, तो मेरा ऑब्जेक्ट शुरू में ऐसे था, ए पे इसके कोऑर्डिनेट से x1 y1 z1, फिर ये ऐसे 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 घूमा कहीं तो भी स्पेस में घूमा, है ना, घूमा और फिर बी पॉइंट पे जाके पहुंच गया। क्या डिस्प्लेसमेंट मैटर करता है क्या, बी पॉइंट पे कैसे पहुंचा, डजंट मैटर, मुझे बस बी पॉइंट की पोजीशन मैटर करती है, तुम बी पे कैसे जा रहे हो, तुम सीधे जा रहे हो, तुम घूम के जा रहे हो, राइट, तुम ऐसा सर्कुलर मोशन ले रहे हो या पहले ऊपर जा रहे हो फिर नीचे, मुझे मैटर नहीं करता, मुझे बस फाइनल पोजीशन मैटर करती है, ओके। बी के फाइनल कोऑर्डिनेट से एक्स टू वाई टू जेड, ओके। तो मेरा ए वेक्टर कैसे हो गया, मेरा ए वेक्टर ऐसा हो गया, मेरा बी वेक्टर ऐसा हो गया, राइट। अब मेरी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, इन दोनों पॉइंट को अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो उस लेंथ, उस वेक्टर की लेंथ, इस वेक्टर की लेंथ मुझे देगी कि मेरी डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, राइट। इसमें अगर मैं इसको ए वेक्टर बोल दूं, मान लो इसको आर ए वेक्टर बोलता हूं, इसको आर बी वेक्टर बोलता हूं, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को हम यूजुअली एस, एस से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको मैं बोलता हूं मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। चलो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा, तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से क्या आ रहा है, देखो आर ए प्लस एस वेक्टर इक्वल्स आर बी वेक्टर आ रहा है, तो क्या आया मेरा आर ए वेक्टर प्लस एस वेक्टर इक्वल्स आर बी वेक्टर। थोड़ा सा रीअरेंज करो, हम एस वेक्टर में इंटरेस्टेड है ना, रीअरेंज करूंगा तो क्या मुझे एस वेक्टर जो मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो आर बी वेक्टर माइनस आर ए वेक्टर आ गया, क्या आ गया ना, यही है मेरा पोजिशन। तो अगर मैं B की जगह F बोल देता हूं तो मैं बोलता हूं मेरा जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है वो होता है फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। तो क्या मैं इसको फिजिक्स की लैंग्वेज में ऐसा बोलता हूं कि मेरा चेंज इन पोजीशन वेक्टर,
ये चेंज ही तो हो रहा है। देखो चेंज क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, बहुत बार बताया है ना। तो मेरा चेंज इन पोजिशन वैक्टर मुझे देता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट वैक्टर क्या होता है, चेंज इन पोजिशन वैक्टर। और चेंज का फॉर्मूला पता है ना हमें, फाइनल वैक्टर माइनस इनिशियल वैक्टर, चेंज इन पोजिशन वैक्टर। ये मुझे क्या देता है, ये हमेशा मुझे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर देता है। ओके, इस केस में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आई जे के टर्म्स में क्या होगा, देखो मेरा आर एफ जो कि मेरा आर बी है वो है एक्स टू वाई टू जेड टू। तो मैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अगर आई जे के टर्म्स में निकालू तो क्या मुझे ये ऐसा आएगा क्या, देखो थोड़ा सोच के, है ना ऐसा ही आएगा ना। ओके, तो दिस इज माई डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ओके, क्या हमें इसका मैग्नीट्यूड, इसकी लेंथ दे देगा क्या कि इसने डिस्प्लेसमेंट कितनी की है? तो अगर हमें विदाउट डायरेक्शन बोला जाता है कि डिस्प्लेसमेंट का सिर्फ मैग्नीट्यूड बताओ, तो हम क्या निकालेंगे, मैग्नीट्यूड क्या होगा, मॉड एस। और मॉड एस निकालना आता है यार, देखो अंडर रूट ऑफ एक्स टू माइनस एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन स्क्वायर प्लस जेड टू माइनस जेड वन स्क्वायर। कॉपी में लिख लो चाहो तो मॉड एस क्या होता है, मैग्नीट्यूड। अगर हमें सिर्फ लेंथ पूछता है कि डिस्प्लेसमेंट की लेंथ कितनी हुई, तो हम बोलेंगे देखो हमारी डिस्प्लेसमेंट इतनी हुई। ओके, जल्दी से नोट डाउन करो, मैं एग्जांपल कराने वाला हूँ, वीडियो को पॉज करना है और नोट डाउन करके लेना है ना। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पड़ा हुआ है, वेक्टर में भी पड़ा हुआ है। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में देख रहे हैं, अभी थोड़ी सी फील आ रही है ना, अभी राइट मोशन पढ़ रहे हैं, पहले देखा कि पार्टिकल को हम पोजिशन को कैसे डिफाइन करेंगे। अब पार्टिकल की पोजिशन चेंज हो रही है, तो हम बोलेंगे जो चेंज इन पोजिशन वैक्टर होगा दैट इज माई डिस्प्लेसमेंट। और डिस्टेंस क्या होगा, वो कैसे जा रहा है, राइट। ओके, थोड़ा सा एग्जांपल करते हैं ना डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पे। पहले 3D में करेंगे, फिर 2D में करेंगे, फिर 1D में करेंगे, डजंट मैटर भाई, हम 3D में पढ़ रहे सीधा, है ना। तो क्या 1D, क्या 2D, क्या 3D। ओके, मान लो मेरा पॉर्टिकल शुरू में ए पॉइंट पे था और ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मुझे दिए 2, 3, 4। फिर वो ए से बी पे मूव हो गया, बी पॉइंट पे मूव हो गया, कैसे मूव हो गया पता नहीं, बट कुछ तो भी करके वो बी पे मूव हो गया और उसके कोऑर्डिनेट्स आए 3, 4, 5। मुझे बोला गया कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, पार्टिकल ने कितनी डिस्प्लेसमेंट की। हमने बोला सही है, हमें डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला आता है। मेरा जो डिस्प्लेसमेंट वैक्टर होता है फाइनल पोजिशन वैक्टर माइनस इनिशियल पोजिशन वैक्टर। वो कैसे लिख सकता हूँ मैं, देखो फाइनल पोजिशन वैक्टर क्या है मेरा, 3i 4j 5k कैप माइनस इनिशियल पोजिशन वेक्टर 2i 3j 4k। तो मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना आ रहा है, निकालो जल्दी से, देखो i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप आ रहा है क्या। ओके, मेरी डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ s वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ s वेक्टर कितना आएगा, अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो √3। तो दिस इज माई मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वैक्टर। और डिस्प्लेसमेंट वैक्टर निकाल सकता हूँ ना, राइट, ईजी है, विजुअलाइज करो बस। ए पॉइंट 2, 3, 4 पे था, फिर वो ऐसे मूव करके बी पॉइंट पे गया, मुझे ये वाला वैक्टर निकालना है, एस वैक्टर, राइट। ओके फाइन, चलो 2D में निकालते हैं, 2D में करेगा। ओके, मान लो मेरा कोई पार्टिकल ए पे था, ए पे उसने क्या किया, वो पहले ऐसे मूव किया, ठीक, ये सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल जिसकी रेडियस है 1 मीटर, ठीक, पहले ऐसे मूव किया, फिर ऐसे मूव किया, इसकी भी रेडियस 1 मीटर, ठीक। मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब तुम्हें दो क्वेश्चन पूछे गए, फर्स्ट थिंग कि इसने ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने तक, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने तक कितना डिस्टेंस कवर किया। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिस्टेंस कितना है, और सेकेंड क्वेश्चन मुझे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लाके दो, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लाके दो, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू दिस। अगर तुम इसको ओरिजिन मानते हो तो इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लाके दो। हमने बोला सही है, ओके,
डिस्टेंस कैसे होगा, पहले ये वाली लेंथ कैलकुलेट करूंगा, उसमें ये वाली लेंथ कैलकुलेट करूंगा, तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, देखो ये सेम ही सर्कल है और दोनों की अगर रेडियस सेम है तो मैं इनको ज्वाइन भी तो कर सकता हूं। मैं बोलूंगा देखो इसने टोटल एक सर्कल के बराबर डिस्टेंस कवर किया, तो टोटल इसकी पेरीमीटर निकलूंगा मैं ये सर्कल की, सर्कल विद रेडियस 1 मीटर, राइट। तो डिस्टेंस कितना आएगा मेरा, डिस्टेंस आएगा ये वाला डिस्टेंस प्लस ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस कितना है मेरा पाई आर, प्लस ये वाला भी तो पाई आर है, तो ये कितना आया 2 पाई आर, आर मेरी 1 है, तो 2 पाई मीटर में डिस्टेंस चला, यहां से यहां तक जाने के लिए मैं 2 पाई डिस्टेंस चला, ओके। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालो, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, ओके। मैंने इसको तो ओरिजिन ही माना हुआ है 0, 0, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे बताओ, इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं क्या, ये लेंथ कितनी है अगर 1 मीटर था, तो ये मेरा 2 आर है ना, और ये 2 आर है, तो बेसिकली मैं 4 आर डिस्टेंस पे खड़ा हूँ और आर की वैल्यू 1 मीटर है, तो मैं इस पॉइंट को, बी पॉइंट को ऐसे लिख दूँ क्या, बी पॉइंट इज मेरा, दिस इज माई ए, बी पॉइंट क्या आया मेरा, बी पॉइंट आया 4, 0, तो आर एफ माइनस आर ए क्या आएगा, क्या आएगा सोच के बताओ जरा, 4 i कैप आएगा क्या, 4 i कैप, राइट। तो दिस इज माई डिस्प्लेसमेंट वैक्टर, और देखो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 4 ही तो है, राइट। तो दिस इज अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 4, तो ये मेरा वेक्टर मैग्नीट्यूड आ गया। तो ये 2D में, इसको मैं ऐसे भी तो बना सकता था एक स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग, राइट। तो 2D में समझ में आ रहा है ना, अगर मेरा ऑब्जेक्ट ऐसे 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 मूव करता है तो x, y के हेल्प से मैं उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिख सकता हूँ। 1D में डिस्प्लेसमेंट कैसे होगी इसकी, चलो देख लेते हैं, सिर्फ अगर 1D में मूव करता है मेरा पार्टिकल, आसान है, मैं बोला ना 3D में देखो, 2D और 1D पे जनरलाइज करो, बहुत सारे लोग हैं 1D पढ़ते हैं फिर 2D पढ़ेंगे फिर बोलेंगे देखो हम 3D में भी कर सकते हैं, हम थोड़ा सा उल्टा जा रहे हैं, क्योंकि हमने वेक्टर्स पढ़ा है भाई, हमें वेक्टर आता है, हमें 3D में विजुअलाइजेशन करना आता है, तो पहले हम 3D पढ़ेंगे फिर 2D पढ़ेंगे फिर 1D पढ़ेंगे, ओके, ये बेहतर वे है पढ़ने का। अच्छा 1D पे कैसा हो सकता है, 1D पे, 1D वाला एक एग्जांपल करा दूं क्या, 1D मतलब मेरा ऑब्जेक्ट है वो सिर्फ एक लाइन पे मूव करेगा, ओके। मान लो मेरा ऑब्जेक्ट कोई ए पे था, ठीक, पहले वो इधर गया, मान लो इसको मैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस बोलता हूँ और इसको निगेटिव एक्स एक्सिस बोलता हूँ, ठीक, पॉजिटिव एक्स एक्सिस निगेटिव एक्स एक्सिस, तो पहले वो ऐसे 5 मीटर गया, ठीक, फिर वो ऐसे 7 मीटर गया, तो मुझे दो चीजें, पहले क्या गया वो ए से बी गया 5 मीटर, फिर बी से सी गया उल्टा 7 मीटर, ठीक, तो कंप्लीट जर्नी ए बी सी, राइट। तो मुझे बताओ कि इसका डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस ट्रैवल कितना है और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। देखो यार 1D, 3D, 2D में करने वाले आदमी है हम, ये 1D वाला ये तो चिंदी सवाल है अभी, राइट, बहुत इजीली हो जाएगा ना, कैसे करेंगे, 5 मीटर इधर गया फिर 7 मीटर आया, तो डिस्टेंस तो उतने 7+5 का चला, तो 12 मीटर तो उसने डिस्टेंस चला। अब देखते हैं डिस्प्लेसमेंट कितनी आ गई, डिस्प्लेसमेंट कितनी आ गई, देखो +5 गया फिर -7 आया, तो इसके और इसके बीच का डिस्टेंस सिर्फ 2 मीटर ही तो बचा, ये 5, ये टोटल 7 वापस आया, तो 2 मीटर ही तो हुआ और ऊपर से वो निगेटिव डायरेक्शन है, तो मैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को -2 i कैप से लिख सकता हूँ क्या, दिस इज माई डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और मेरी डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई -2 की, ओके, राइट। तो इससे हमें क्या समझ में आता है, मेरा डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा, डिस्टेंस हमेशा मेरा पॉजिटिव होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट मेरी निगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। डिस्प्लेसमेंट क्यों, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी ना, तो इससे क्या समझ में आता है, कुछ फैक्ट्स लिखते हैं, राइट। क्या मेरी डिस्प्लेसमेंट कभी जीरो हो सकती है क्या, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है क्या, सोच के देखो, मान लो मेरा ऑब्जेक्ट यहां पे था, पहले यहां से यहां गया और यहां से यहां आया, तो मुझे बताओ पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, डिस्टेंस तो वो 2 पाई आर चला, लेकिन जहां से निकला था वहीं पे तो आ गया, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, जीरो होगी ना, क्यों, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल भी वही है इनिशियल भी वही है, तो फाइनल माइनस इनिशियल जीरो आ जाएगा ना, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकती है, राइट। अगर पार्टिकल अपनी पोजिशन पर रिटर्न आ जाए तो मेरी डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकती है। तो कुछ फैक्ट्स लिखते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में, ओके, एग्जाम्पल करेंगे
जब आप डीपीपी में, तो और क्लियरिटी आएगी. फर्स्ट, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो वैल्यू ले सकती है. डिस्टेंस जीरो ले सकता है राइट, अगर ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं कर रहा है, लेकिन उसका क्या सेंस निकालता है? अगर कोई ऑब्जेक्ट वहीं पे खड़ा है तो उसके लिए डिस्टेंस का कोई सेंस नहीं निकलता राइट. बट डिस्प्लेसमेंट मेरी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, ये तीनों हो सकती है. ओके, सही है, फैक्ट है और समझ में आता है. तुम इसको लॉजिकली देख सकते हो, ऐसे रटने वाली कोई चीज नहीं है इसमें. कूल है ना? तो चलो, नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ी सी स्पीड, वेलोसिटी और उस पे ऊपर बात करेंगे, ठीक है? और फिर मैं डीपीपी वन अपलोड करूंगा. देखो, काइनेमेटिक्स में ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना, क्योंकि यही चीजें हैं जिनके ऊपर एक्चुअल फिजिक्स तुम्हारा डेवलप होने वाला है. जैसे इस चैप्टर में हम एक्सेलरेशन पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट चैप्टर में हम फोर्स इक्वल्स मास इनटू एक्सेलरेशन पढ़ेंगे. अगर तुम्हें एक्सेलरेशन समझ में नहीं आता है तो मास इनटू एक्सेलरेशन कैसे समझ में आएगा राइट? तो इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है ना, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, और दूसरे वीडियो में हम देखते हैं कि स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है राइट, फिर उसमें भी एवरेज स्पीड क्या होती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है, वो सब चीज़ें हम देखने वाले हैं. कूल, फाइन, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. और एक चीज़ याद रखना, अगर तुम कोई किताब खोलो उसमें 1D, 2D, 3D ऐसे दिया हुआ है, 1D मोशन, 2D मोशन, मोशन इन अ प्लेन, मोशन अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन, तो उससे कन्फ्यूज मत होना राइट. हम भी वही पढ़ रहे हैं, लेकिन हम मोर जनरल फॉर्म में पढ़ रहे हैं, हम उसको अच्छे लेवल पे पढ़ रहे हैं राइट. हम पहले 3D पढ़ेंगे, फिर 3D को बोलेंगे हम 3D आती है, अब हम 2D और 1D में उसको जनरलाइज कर सकते हैं. ओके, कूल, चलो, ऑल द बेस्ट.